G20 का रंग पूरे देश पर छाया हुआ है। खजुराहो में भी 23 से 25 फरवरी तक G20 की बैठक होगी, जिसमें G20 सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष सहित 200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। कैसी है खजुराहो में G20 की बैठक की तैयारियां, ये दिखाने के लिए खजुराहो सांसद व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पत्रकारों के एक समूह को खजुराहो लेकर पहुंचे और विस्तार से इसकी जानकारी दी। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर का समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर भी शामिल है। संस्कृति कार्य समूह की बैठक में सदस्य देशों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि आएंगे। सांसद बीडी शर्मा ने सबसे पहले तो खजुराहो मंदिर में होने वाले लाइट एंड साउंड शो को दिखाकर खजुराहो के मंदिर के इतिहास से अवगत कराया। विश्व प्रसिद्ध नगर खजुराहो में 23 से 25 फरवरी तक G20 के संस्कृति कार्य समूह की बैठक होनी है। इनमें G20 सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। आप सब लोगों ने खजुराहो के अंदर जो लाइट एंड साउंड सिस्टम, ये सब आपने जो देखा है और इसका पूरा चित्रण आज यहाँ पर हुआ है। आपने जो कहा राकेश जी भी जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं, सभी पत्रकार मित्र भी आज उन्होंने इसको देखा है, तो इसलिए इसमें कुछ न कुछ सुधार की जो आवश्यकता है इस पर हम लोगों ने अभी काम शुरू किया है कि इफेक्टिवली लाइट एंड साउंड सिस्टम यहाँ का बने, क्योंकि दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इसलिए उन पर्यटकों की दृष्टि से जो और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया। और देश भर के अंदर सबसे अच्छा लाइट एंड साउंड सिस्टम कहाँ पर है उसके माध्यम से यहाँ पर अभी हमने सर्चिंग शुरू की है और प्रशासन भी इस काम में जुटा है और मुझे लगता है कि जल्दी ही एक और इफेक्टिवली यहाँ पर लाइट एंड साउंड सिस्टम लगे, इसके हम लोगों ने तैयारी शुरू की। बुंदेली संस्कृति की पहचान विदेश से आए लोगों को कराने के लिए उनके मनोरंजन का विशेष ध्यान रखते हुए बुंदेली लोक संस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही क्या भोजन परोसा जाएगा जो बुंदेलखंड के स्वाद की पहचान कराए, इसके लिए बीडी शर्मा ने पत्रकारों को देसी अंदाज में खेतों के बीच भोजन कराया, जो पत्ते से बने पत्तलों पर परोसा गया। चूल्हे पर बने टिक्कड़ और सिलबट्टे पर बनी कई प्रकार की चटनियां विशेष रही। बुंदेलखंड के व्यंजन भी चाहे बरास से लेकर के कैथा की चटनी और पता नहीं क्या क्या यहाँ के जो व्यंजन है लोकल डिशेज के साथ, जो मोदी जी कहते हैं आने वाले लोगों को मोटा अनाज मिलेट्स लोकल के हमारी ऐसी जो चीजें उनका स्वाद लेंगे और गांव के अंदर चाहिए। G20 बैठक में आने वाले सदस्य देशों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों के पर्यटन के लिए पन्ना भी तैयार है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के बेहतरीन कार्य के बाद अब यहां लगभग 70 से ज्यादा टाइगर हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य आकर्षण बाघ, चौसिंगा, हिरण, चिंकारा, सांभर, जंगली बिल्लियां, घड़ियाल, मगरमच्छ, नीलगाय, जंगली सुअर हैं। इस पार्क में पक्षियों की भी लगभग 200 से अधिक प्रजातियां हैं। इनमें प्रवासी पक्षी भी सम्मिलित हैं जो दूर दराज के इलाकों से यहां आते हैं। इनके अलावा भी पार्क में अजगर व सांप भी हैं, कई प्रजातियां हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की मुख्य आकर्षण बाघिन मंचली है, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग पन्ना टाइगर रिजर्व आते हैं। ये पन्ना रियासत के अंतर्गत आता था और नेशनल पार्क बनने से पहले जो हमारा एरिया है पूरा पन्ना, महाराजा का हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। उसके बाद ये 75 में गंगाऊ सेंचुरी बना, 81 में फिर ये नेशनल पार्क हुआ और 1994 में इंडिया का 22nd नंबर का टाइगर रिजर्व हुआ और अभी 2020 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड इसमें शामिल किया गया है, तो बायोस्फीयर रिजर्व हो चुका है। खजुराहो में पतंग उत्सव और खिचड़ी वितरण समारोह भी आकर्षण का केंद्र रहा, जहां सांसद बीडी शर्मा ने पतंग उड़ाई और बताया मेरा देश आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 23, 24, 25 फरवरी 2023 को खजुराहो में G20 की संस्कृति कार्य समूह की बैठक होगी, जिसकी हमने पूरी तैयारियां कर ली है। खजुराहो में महाराज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में इन बैठकों का आयोजन किया जाएगा। भारत में G20 की बैठकों में 18वें शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधियों के अलावा मेहमानों में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। इसके अलावा दुनिया भर के देशों के मीडिया कर्मी और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों का खजुराहो में जमावड़ा होगा। इससे कोविड महामारी के बाद पर्यटकों की राह देख रहे खजुराहो के पर्यटन को पंख भी लग जाएंगे। भारत में G20 ग्रुप के अधिकारियों ने 3 दिन बैठक के बाद G20 सदस्यों के लिए खजुराहो में होटल बुक करा दिए हैं। पतंग मेरी नहीं, ये पतंग भारत का नेतृत्व कर रही है। ये पतंग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
G20 देशों की अध्यक्षता के प्रतीक के तौर पर आसमान को छू रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अध्यक्षता मिली हमारा गौरव है, हमारा सौभाग्य है। हम गौरवान्वित है कि खजुराहो में 2025 को हम उनके आने वाले प्रतिनिधियों के स्वागत की तैयारियों में मोदी जी के निर्देश पर जुटे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो बैठक होगी वो ऐतिहासिक होगी, कल्चरल बैठक है और खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, तो दुनिया के अंदर और ऊंचाइयों को छूने का काम करेंगे। जो पता नहीं जिस प्रकार से ऊंचाइयों पर जा रही है, भारत भी उसी प्रकार से दुनिया के अंदर नेतृत्व करने को आगे बढ़ा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।